एक्सरसाइज 2.2 का थर्टींथ क्वेश्चन देखो सोल्थ द फॉलोइंग फॉलोइंगवेसन ये इक्वेशन सोल्व करनी है और हमें x की वैल्यू निकालनी तो देखो थर्टीन क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें क्या दे रखा है थर्टींथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टू कोर्ट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाए बाय थ्री ये वैल्यू दे रखी है कैसे करेंगे देखो इसको फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स को कोट में चेंज कर लेते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला बनता है पाई बाई टू माइनस कोर्ट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे ये क्या आ जाएगा प्लस टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री ठीक है उसके बाद देखो माइनस कोर्ट इनवर्स एक्स प्लस टू कोर्ट इनवर्स एक्स इनको ऐड कर देंगे पाए बाई टू क्या बचेगा प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री ये पाई बाय टू उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू एल्शियम लेंगे यहाँ से इन दोनों का एल्शियम क्या आ जाएगा सिक्स तो टू की टू पाई से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा फोर पाई माइनस टू थ्री जा सिक्स थ्री की पाई से थ्री पाई ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पाई बाय सिक्स अब कोट इधर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कोट पाई बाय सिक्स एक्स की वैल्यू कोट पाई बाय सिक्स कोट पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट थ्री ये आ जाएगा इसका आंसर <coughs> देखो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी एक्स की वैल्यू निकालनी है ये इक्वेशन हमें दे रखी है देखो कैसे करेंगे सेकंड पार्ट जो है इसका क्या दे रखा हमें टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर ये वैल्यू दे रखी है एक्स की वैल्यू निकालनी है तो so, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं देखो फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स वाई तो वन माइनस एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई वाई एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर को हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स पाई टेंजेंट इनवर्स वन पाई बाई फोर को हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स वन क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू वन किस पे होती है पाई बाई फोर टेंजेंट पाई बाई फोर क्या होता है वन तो इसको लिख लेंगे टेंजेंट इनवर्स वन अब क्या आ जाएगा देखो यहाँ से ये यह जो वैल्यू है टेंजेंट तो इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल तो ये क्या बचेगा यहाँ से एलसीएम लेते हैं एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एल्शियम एक्स प्लस टू की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू की इसके साथ करेंगे प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन नीचे क्या वैल्यू आएगी देखो यहाँ से भी एल्शियम लेंगे इन दोनों का एलशियम लेंगे इन दोनों में क्या एल्शियम आ जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू की वन के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस का साइन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे वन अब देखो एलसीएम जो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल क्या वैल्यू बचेगी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस वन की x प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर <coughs> प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू की एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क् माइनस एक्स माइनस टू अपॉन नीचे वैल्यू एक्स माइनस टू की एक्स प्लस टू के साथ ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाए एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस माइनस का साइन और एक्स माइनस वन की एक्स प्लस वन के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू वन इनको सोल्व करते हैं तो देखो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू ये प्लस का साइन एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू अपॉन नीचे वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर ये माइनस एक्स स्क्र माइनस अंदर जाएगा दोनों के साइन चेंज और प्लस वन इज इक्वल टू वन एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल ऊपर देखो एक्स से एक्स कैंसिल एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्र माइनस टू माइनस टू क्या आ जाएगा माइनस फोर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा ये फोर फोर प्लस वन तो ये वैल्यू आ जाएगी सॉरी ये माइनस का फोर माइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस फोर माइनस फोर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्स स्क्र माइनस क्या आएगा फोर तो एक्स स्क्र माइनस फोर यहाँ से क्या बचेगा माइनस फोर प्लस वन कितना आएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू वन तो टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री की वन से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा माइनस थ्री ये माइनस फोर उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर टू एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर क्या आएगा वन तो एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू ये टू इधर डिवाइड में तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस वन बाय टू ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं क्या दे रखा टू टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू कोसिकेंट एक्स इसको सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट में हमें गिवन में दे रखा है टू टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू कोसिकेंट एक्स तो कैसे सोल्व करेंगे देखो टू टेंजेंट इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे टू टेंजेंट इनवर्स एक्स तो क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स टू एक्स तो टू कोस एक्स अपोन वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स टू अपॉन कोसिकेंट एक्स को नीचे लिख लेंगे क्या बन जाएगा ये साइन एक्स कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है अब इसको सोल्व करते हैं देखो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल अब दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स है क्या बचेगा सिर्फ यहाँ से टू कोश एक्स अपॉन वन माइनस को एक्स क्या आ जाएगा साइन स्क्र एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा टू बाई साइन एक्स तो इनको सोल्व करते हैं देखो एक टू से टू कैंसिल साइन की वन पावर से साइन कैंसिल क्या आ जाएगा कोस बाय साइन कोस बाई साइन क्या बन जाएगा ये कोर्ट एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है कोर्ट की वैल्यू किस पे वन होती है पाई बाई फोर पर तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से पाई बाय फोर क्योंकि कोर्ट पाई बाई फोर क्या होता है वन तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय फोर यह आ जाएगा इसका आंसर देखो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है फोर्थ पार्ट क्या दे रखा हमें टेंजेंट इनवर्स वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू दे रखी है कैसे सोल्व करेंगे देखो इसको यहाँ से फॉर्मूला बनाते देखो टेंजेंट इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका फॉर्मूला बना देते हैं देखो हम टेंजेंट इनवर्स ये क्या बन जाएगा वन माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई वन और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही आएगा तो ये फॉर्मूला बना दिया हमने इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ये टेंजेंट इनवर्स एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स वन इज इक्वल टू वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये थ्री बाय टू टेंजेंट इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स वन टेंजेंट की वैल्यू वन किस पे होती है पाई बाई फोर पर तो ये आ जाएगा इधर पाई बाय फोर अब टू मल्टीप्लाई में और थ्री डिवाइड में तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पाई बाय फोर इन टू ऊपर मल्टीप्लाई में और थ्री डिवाइड में टू से डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाय सिक्स टेंजेंट इनवर्स इधर आके इनवर्स हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट पाए बाय सिक्स टेंजेंट पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है वन बाय रूट थ्री तो ये आ जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं देखो फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में दे रखा है कोट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू एक्स इज इक्वल टू पाए बाय थ्री यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है देखो कैसे करेंगे इसको हम इसको लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्र प्लस इस कोट इनवर्स को टेंजेंट में चेंज कर लेते हैं कैसे आ जाएगा ये टेंजेंट इन्वर्स एंगल का उल्टा कर देंगे टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू पाए बाय थ्री इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये टेन टू टेंजेंट इनवर्स दोनों सेम वैल्यू हैं ऐड करेंगे क्या आ जाएगा टू टेंजेंट इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्र इजल टू पाई बाय थ्री अब ये टू इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ से टेंजेंट इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्वयर इज इक्वल टू पाए बाय टू इधर डिवाइड में थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा सिक्स अब टेंजेंट इनवर्स उधर जाके इनवर्स हट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्वेयर इक्वल टू टेंजेंट पाए बाय सिक्स टेंजेंट पाए बाय सिक्स की वैल्यू रखेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा टू एक्स बाय वन माइनस एक्स टू टू एक्स बाय वन माइनस टू टेंजेंट जेंट फाइव बाई सिक्स की वैल्यू क्या है वन बाय रूट थ्री अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री की इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा टू रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्र की वन से तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर इन दोनों वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्र प्लस का हो जाएगा और वन माइनस का तो ये प्लस टू रूट थ्री एक्स और ये वन इधर आके माइनस और इज इक्वल टू क्या बचेगा जीरो यहाँ से x के लिए इसको सोल्व करते हैं तो देखो फार्मूला होता हमारे पास माइनस बी ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू है इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस बी बी की वैल्यू क्या होगी x का कोफिशियंट तो माइनस टू रूट थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्यर टू रूट थ्री का स्क्यर करेंगे तो फोर थ्री क्या आ जाएगा ट्वेल्व माइनस फोर ए सी फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन टू ए टू मल्टीप्लाई वन ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टू रूट थ्री प्लस माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस फोर अपॉन टू तो माइनस टू रूट थ्री प्लस माइनस ट्वेल्व प्लस फोर फोरटीन फोर्टीन का स्केय रूट क्या होगा फोर अपॉन टू एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का तो दो वैल्यूज़ जा आ जाएंगी एक्स की देखो क्या क्या आ जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री प्लस फोर बाय टू और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस टू रूट थ्री माइनस फोर बाय टू ठीक है अब उसके बाद क्या करेंगे देखो यहाँ से क्या आ जाएगा टू कॉमन लेंगे तो टू कॉमन प्लस वाली वैल्यू आगे लिख लेते हैं टू बचेगा प्लस का और माइनस का रूट थ्री अपॉन टू टू से टू कैंसिल तो क्या आंसर आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये देखो नेगेटिव है माइनस कॉमन लें तो टू रूट थ्री प्लस फोर बाय टू लेकिन माइनस वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो हम क्या लेके चल रहे हैं ग्रेटर देन जीरो सभी क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री